जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल चपाती पर। मेरा नाम है पम्मी और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ नीड फॉर स्पीड पे बैंक। तो भाई लोगों, हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। दो तीन वीडियोस में ऑलरेडी नीड फॉर स्पीड पे बैक पे बना चुका हूँ, उसका पूरा गेम प्ले मैं खेल रहा हूँ, तो भरपूर मजा ले रहा हूँ और खूब मजा आपको भी आ रहा होगा। यार आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पहाड़ों के बीच में से यार रोड निकला हुआ है, हसीन वादियां हमें देखने को मिल रही हैं, द सीनरी इज ट्रूली अमेजिंग। यार खुले खुले रोड हैं, तो आप जहां मर्जी गाड़ी चलाएं, ड्रिफ्टिंग करें, रेस करें, दुश्मनों का खात्मा करें, तो यार एकदम अमेजिंग गेम है नीड फॉर स्पीड पे बैक। अगर आपने नहीं खेली तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये खेलें, इस समय बिल्कुल फ्री है यार। यू कैन प्ले द ट्रायल फॉर 10 आवर्स। जी हाँ भाइयों, 10 घंटे के लिए आप ये गेम फ्री में खेल सकते हैं अगर आपके पास ओरिजिन एक्सेस अवेलेबल है, तो जो कि इफ़ यू लिव इन द यूके तो उसकी वैल्यू है £20, और £20 कुछ भी नहीं है यार। तो आई वुड हाईली रिकमेंड फॉर यू टू गेट योरसेल्फ नीड फॉर स्पीड पेबैक द ट्रायल वर्जन। तो चलिए शुरू करते हैं जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। आपको याद होगा कि हमने पिछले 2 या 3 गेम प्ले में हमने कैटरीना के मुस्टंडे जो हैं, जो कैटरीना के गुंडे हैं, उनको हराने की कोशिश की। तो ये मेरे ख्याल से लास्ट रेस है, अगर इस रेस में हम जीत जाते हैं, आई थिंक आई एम इन द रॉन्ग प्लेस, ओह शिट। तो अगर हम ये रेस जीत जाते हैं तो हमारा अगला मुकाबला खुद ला कैटरीना के साथ होने वाला है, तो बड़ा ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है। क्या मेरी होंडा S2000 जो मैं इस वक्त चला रहा हूँ, क्या ये कैटरीना का मुकाबला करेगी? क्या मैं उनके मुस्टंडो को हरा पाऊंगा? तो देखना ये है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस रेस में मेरे ख्याल से वो लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि इस रेस में खुद ला कैटरीना मेरा मुकाबला करने वाली है। ओ माय गॉड, आई एम रियली ओवर द मून। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी गाड़ी इतनी पावरफुल होगी। I thought I had one more race to go. मुझे लगा कि एक रेस हमें और करनी है कैटरीना के गुंडों के साथ, लेकिन नहीं, कैटरीना हमारा मुकाबला खुद करेगी हेड ऑन। तो देयर वी गो, द रेस इज नाउ कमिंग अप, फिनिश द इवेंट इन 180 सेकेंड्स एंड विन द रेस। तो हमें इवेंट फिनिश करना है 180 सेकेंड में, तो अगर ऑब्वियसली हम 180 सेकंड में इवेंट फिनिश करेंगे तो वी गोना गेट एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो ला कैटरीना की एंट्री देखो, क्या खूंखार गाड़ी है, राइट? शी इज ड्राइविंग अ पोर्शे रियर व्हील। आई एम नॉट गोना गो इजी। एक मिनट, गुड, आई डोंट डू इजी, यू नॉट गोना गो इजी। कैटरीना का गरूर मुझे तोड़ना है यार, उसके अंदर कितना गरूर भरा हुआ है यार, आई वांट टू क्रश हर। अच्छा तो उसकी उत्तरी कहाँ से चलेगी यार, हमने बड़ी मिस्टेक कर दी है, शिट, वी आर गोइंग द रॉन्ग वे। ओ माय गॉड गाइस, दैट्स गोना कॉस्ट अस अ लॉट ऑफ टाइम। हमें बहुत ही भारी नुकसान पड़ने वाला है इस छोटी सी मिस्टेक के लिए यार। आई गॉट अ फीलिंग दैट वी गोना लूज द रेस, मुझे ऐसा फील हो रहा है, अंदर से मुझे फीलिंग आ रही है कि ये रेस हम लॉस कर देंगे। लेकिन I know, Katrina, I am losing. You don't have to remind me all the time, you little shit. लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये रेस, मुझे लगता है कि हम जीत जाएंगे, right? Deep inside, I can feel that we can win this race. But I've got a feeling that it's gonna be a very hard competition. हमने एक बार फिर बदकिस्मती से गाड़ी ठोक दी यार, पत्थरों के बीच में हम गाड़ियाँ ठोक रहे हैं। This is gonna be. Shut up, yaar. This is gonna be hard, guys. This is gonna be hard, but we have to try. तो दुनिया में हर एक चीज आसान नहीं होती. You have to try. I think I can do it, guys. I think I can do it. I can bring in the energy and we can turn the tables, right? तो हम कैटरीना को धूल चटाने में एकदम कामयाब होंगे, ऐसा जो है मेरा फीलिंग हो रही है इस समय. Right, this is gonna be a very tough race. ये बहुत ही मुश्किल मुकाबला होने वाला है. आप टॉप राइट हैंड साइड में देख सकते हो कि 3 miles का फासला अभी भी रहता है. तो 3 miles is about 5 kilometers in India. क्या कह रही है? चुप चुप हो जा यार, 2 मिनट चुप हो जा कैटरीना. Right. ओ नहीं यार, अब कितना क्लोज है कैटरीना के पास यार. Shit. Oh wow. बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके थे यार, शिट। तो शुरू में कैटरीना को उसकी गाड़ी के बारे में बता रहा था, उसके पास है पोर्शे रियर व्हील ड्राइव। नहीं,
पॉसिबल है ये रेस जीतना यार, तीन बारी। हंस मत कटरीना, मैं तुझे हरा कर आऊंगा इस बारी में। तो तीन बारी हमने गाड़ी ठोक दी यार, एक बार तो शुरू में ही गाड़ी ठोक दी और कटरीना को मौका मिल गया हेड ऑन का, एक बारी फिर से फकीन अभी गाड़ी ठोकी है दरख्तों में। तो दूसरी बारी गाइस हमारी गाड़ी कटरीना की गाड़ी के बिल्कुल पास आ जा चुकी थी, लेकिन मैंने गलत जगह पे नॉस मार दिया और हमारी गाड़ी बेकाबू हो गई। तो यस वी नीली हेड अ लिटिल पिच। तीसरी बारी हमारी गाड़ी पहाड़ के नीचे से गिर गई और चौथी बारी हमारी गाड़ी दरख्तों में जा ठुकी। उसके बाद भी हमारी तीन चार बारी गाड़ी ठुक चुकी है, तो रेस जीतना इज गोना बी अ लिटिल बिट इम्पॉसिबल। एक माइल रफली एक माइल रहता है और कटरीना बिल्कुल हमें दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रही यार, दूर तो छोड़ो वो मैप में भी नहीं दिख रही यार। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, ओनली 1700 यार्ड्स रिमेनिंग। ओह कटरीना मैप में नजर आ रही है यार, वो मेरे सामने कटरीना जा रही है। आई थिंक वी कैन डू इट गाइस, कटरीना अगर तू थोड़ा सा धीरे गाड़ी चलाए तो वी कैन बीट द फक आउट ऑफ यू। वी गोना बी रियली वेरी केयरफुल नाउ, वी हैव टू ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली। 500 यार्ड्स रिमेनिंग है यार, इम्पॉसिबल, वी हैव लॉस्ट इट। ओह नो, अभी होर गरूर झाड़ेगी मेरे ऊपर साली। I know, man, you gotta go hard next time. तो चलिए कोई बात नहीं यार, हार जीत तो लगी रहती है यार, जिंदगी में हार जीत तो लगी रहती है यार, चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। I think we can do it this time. I am 200% sure, guys, कि इस बारी हम कटरीना को धूल चटाने में बिल्कुल कामयाब रहेंगे। तो भाइयों हमने रेस एक बारी फिर से रिस्टार्ट की है, तो चलिए देखते हैं कि यार प्लीज इस बारी जो लो आ गई मैडम जी आ गए यार, इस बारी प्लीज आपने दुआ करने की ये रेस में जीत जाऊं। आई एम रेडी टू डांस विद दिस कटरीना एंड इट लुक्स लाइक यू गोना लूज दिस टाइम। तो ला कटरीना तेरी मौत आज मेरे हाथों डेफिनेटली लिखी है, तुझे मैं खूब धूल चटाने वाला हूँ। तो देख लास्ट टाइम तो मैंने मिस्टेक कर ली थी, मैं राइट हैंड साइड पे चला गया था, लेकिन इस बारी तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। कोई बात नहीं, तू आगे हो जा, आगे होने का ये मतलब नहीं है कि तूने रेस जीत ली बेवकूफ औरत। रुक मैं अभी आता हूँ। Well, it's time to do a super duper drift. Guys, मुझे इस राउंड में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी यार, जरा सी मिस्टेक वो बहुत आगे निकल जाएगी। अभी ऑलरेडी यार मैंने कोई गाड़ी नहीं ठोकी, मैंने कोई गलत ड्रिफ्टिंग नहीं की और वो कितना आगे पहुंच चुकी है यार, what the fuck यार, उसकी गाड़ी कितनी तेज है। अगर मैं रेस जीत जाता हूँ तो कंप्यूटर को उसकी गाड़ी मुझे देनी चाहिए, बिकॉज आई वॉन द रेस। बाकी जो तीन चार नीड फॉर स्पीड मैंने ऑलरेडी खेली है, मेरे ख्याल से मोस्ट वांटेड और नीड फॉर स्पीड कार्बन में यही होता था, अगर आप रेस जीत चुके हो देन यू विल टेक ओवर हिज कार। मैं जॉब का मैं कहाँ जा रहा हूँ यार, व्हाट द हेल, आई सो दैट वाज अ शॉर्टकट, मुझे ऐसा लगा कि वो एक शॉर्टकट होगा लेकिन नहीं, वो शॉर्टकट नहीं था। तो ला कटरीना ने इस मौके का फायदा उठाया और बहुत आगे निकल चुकी है। राइट, वी गॉट टू पे मोर अटेंशन गाइस, वी कांट फकिंग अफोर्ड टू लूज दिस फकिंग गेम। राइट, नॉस जो है मुझे, ओ कितना क्लोज। मैं अभी कुछ नहीं बोलने वाला, आई एम जस्ट गोना कॉन्सेंट्रेट, मुझे पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है इस रेस के ऊपर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं एक बार फिर से लॉस कर दूं। Shut up, Katrina, I am racing you, मैं रेस लगा रहा हूँ यार, तुझे क्या लगता है हम यहाँ मुर्गी पकड़ रहे हैं, रेस ही तो हो रही है। Right, let's guess. Oh no no no, नहीं भाइयों, मैंने लास्ट टाइम पे यहीं पे गाड़ी ठोकी थी और इस बारी भी गाड़ी यहीं पे ठुकी है। शिट यार, मेरा लक कितना खराब है। But we are still doing good. हम अभी भी अच्छा कर रहे हैं, हम थोड़ी देर में कैचअप कर लेंगे, मुझे लगता है कि हम कैचअप कर लेंगे। राइट, शी इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, दो माइल्स तकरीबन रहते हैं, तो ये आपके हो गए तकरीबन 3.5 या 3 किलोमीटर। Oh, we gotta up our game. भाई हमें पूरा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा अगर ये रेस जीतनी है। Right, it's getting super fucking close. Tunnel. Is that tunnel? No, it's not a tunnel. Oh, एक बारी और ठोकर लगी। Nos पूरा खत्म हो चुका है यार, कटरीना ये लगता है फिर से जीत जाएगी, लेकिन मैं इस बारी ऐसा होने नहीं दूंगा। I have to win this.
एक माइल रहता है गाइस, इज गेटिंग रियली क्लोज। नहीं क्लोज तो नहीं है यार, वो अभी भी जीत रही है यार, बहुत आगे है। कितनी आगे, कैसे जा रही है यार, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस शिट। ओ हम टेक ओवर कर रहे हैं, हम टेक ओवर कर रहे हैं गाइस, वी कैन डू इट गाइस, हम कर लेंगे। ओ वी जस्ट टुक ओवर कैटरीना, वी आर डूइंग गुड, वी आर। अबे 500 500 यार्ड्स रहते हैं, बिल्कुल मेरे साथ चिपकी हुई है कोर कैटरीना। नो चांस, वी गॉट दिस रेस एंड वी हैव नाउ कंप्लीटेड द इवेंट सक्सेसफुली। कैटरीना तुझे हमने धूल चटा दी यार, वेल डन इंडीड। तो हमने क्या अनलॉक किया है इस बार, हमने अनलॉक की है स्पीड। तो चलिए स्पीड को भी इक्विप करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ये आपके 5 टिक मार्क्स पूरे हो चुके हैं। Right, but oh, we have a new car. What is that? A Dodge Charger, my favorite car, a Dodge Charger. And we also have a Nissan Skyline GTR, the racing specs. What else we have? It looks like a Mitsubishi Nissan 180 SX. Right. So, ye thi La Katrina ki har aur hamari jeet. Right, we have unlocked 3 new cars. 3 नई गाड़ियां हमने अनलॉक की हैं। तो बेस्ट तरीका यही होगा कि हम गैरेज में जाके उन गाड़ियों को हासिल करें। नहीं, ओह शिट गाइस, मुझे समझ में आ गया क्या करना है यार, हमने गाड़ियां अनलॉक नहीं की, ओह सॉरी, हमने गाड़ियां अनलॉक की हैं, हमें मिले नहीं है। तो हमने असली पैसे खर्च के, ऑब्वियसली जो गेम मनी है वो हमने खर्च के, अब वो गाड़ियां जाके बाय करनी है। शिट यार, आई वाज गेटिंग एक्साइटेड टू ट्राई कैटरीनास कार, मैं बहुत ही एक्साइटेड हो रहा था और मैं सोच रहा था कि यार अभी मुझे कैटरीना की गाड़ी चलाने का मौका मिलेगा, लेकिन नहीं, मेरी उम्मीदों पर सालों ने पानी फेर दिया। राइट, अवॉइड कमिंग ऑफ द रोड एंड विन द रेस। तो हमने दूसरी रेस शुरू कर दी है। तो भाई यहाँ पे हमें अपने नीड फॉर स्पीड का जो स्टोरी मोड गेम प्ले है वो एंड करता हूँ। पूरी गेम मुझे समझ में तकरीबन आ चुकी है। तो पूरी गेम का मोटिव यही होगा कि हमने अभी ला कैटरीना के इलाके को टेक ओवर किया, तो ऐसे 3-4 इलाके और भी होंगे जो कि हमने टेक ओवर करने हैं, और लास्ट में अचानक से बॉस आ जाएगा। जैसे कि मोस्ट नीड फॉर स्पीड में दिखाते हैं ना कि हमने ये जगह जाना है और यहाँ के गुंडों को मारना है, फिर हमने ये इलाका कवर करना है, फिर हमने दूसरे इलाके में जाना है और उस इलाके के गुंडों को मारना है। तो आखिर में जब सारे इलाके आ जाएंगे हमारे पास, तब हमें एक फाइनल बॉस को मारने का मौका मिलेगा। तो ये जो सिस्टम है, ये जो नीड फॉर स्पीड की जो सीरी है, जो स्टोरी है, वो मुझे पसंद नहीं है। तो आई बिलीव क्योंकि पूरी गेम ऐसे ही होने वाली है, हम पागलों की तरह गाड़ियां भगाएंगे और इलाकों में टेक ओवर करेंगे, कुछ रोमांचक, कुछ मज़ा मेरे हिसाब से तो नहीं आने वाला। तो ये गेम प्ले मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में हम थोड़ा बहुत ऑनलाइन खेलेंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आई एम डन विद नीड फॉर स्पीड पेबैक। मेरे ख्याल से और कोई नीड फॉर स्पीड कंटिन्यू रखने का, इसका गेम प्ले कंटिन्यू रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट गोना बी रेसिंग गाइस। तो हमने पागलों की तरह, जैसे मैंने बताया है ना कि पागलों की तरह हम गाड़ियाँ भगाते रहेंगे और रेसिंग करते रहेंगे, कोई रोमांचक बात कुछ नहीं होने वाली, राइट? और ऐसे गेम खेलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि एक चीज़ आप बार 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 करते रहो, राइट? इट गेट्स रियली बोरिंग, आई एम बोर्ड ऑलरेडी, मैं अभी ऑलरेडी बोर हो चुका हूँ यार, और मैंने सिर्फ एक ही बॉस को हराया, तो बाद में क्या होगा आई डोंट गेट इट। तो मैं अभी से ही यार बोरियत छा चुकी है, तो मैं अभी और नीड फॉर स्पीड सिंगल प्लेयर नहीं खेलना चाहता। यार मेरा मैसेज फिर से तंग कर रहा है मुझे, सॉरी गाइस, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। तो चलिए नीड फॉर स्पीड पेबैक के गेम प्ले को हम यहीं पे एंड करते हैं, और अगली वीडियो में एक और वीडियो बनाऊंगा नीड फॉर स्पीड ऑनलाइन के ऊपर, तो हमने ऑनलाइन भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना है। तो चलिए गाइस, दैट्स ऑल आई गॉट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, एंड आल्सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो ये 3 चीजें गाइस प्लीज आपने करनी है, जो कि हैं सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, तो ये करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल आई गॉट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एवरीवन एंड बाय-बाय।